हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस। जैसा कि आप मेरे थंबनेल पर देख रहे हैं, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए करंट अफेयर लेटेस्ट, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी यूके ट्रिपल एससी यूपी ट्रिपल एससी ऑल पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर सेटअप कहाँ स्थापित होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसकी बिल्कुल ना करें। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद साइड में इस बेल आइकन को टैप करें और ऑल पर टिक कर दें, जिससे क्या होगा, मेरी आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर और डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, कई सारी वीडियोज़ मैंने पढ़ाई से रिलेटेड आपके लिए बना रखी हैं, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में, क्वेश्चन देखें। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है। तो दोस्तों, उनका नाम क्या है हमारा, जस्टिस रूथ बदर सिमबर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देश व्यापारी लॉकडाउन लगाया गया। इसमें जो हुआ हमारा, पहले तो लॉकडाउन खोल दिया था, लेकिन दोबारा से वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया है। तो दोबारा से लॉकडाउन कहाँ लगाया हमारा, इजराइल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को किसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। रॉ क्या है हमारी, एक रॉ हमारी एक एजेंसी, जांच एजेंसी, ठीक है ना। तो किसको किया गया है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हमारा ये आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सर्व शिक्षा अभियान कार्य परिषद की 55वीं बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है कितना, 9,007 करोड़ रुपए। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के कारण किस चैंपियनशिप को रद्द किया गया है। तो कौन सा चैंपियनशिप है जिसे हमारा रद्द किया गया है, वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये हमारा आंसर बनेगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नीतियों के उल्लंघन के चलते गूगल ऐप स्टोर ने किस ऐप को बैन कर 4 घंटे बाद फिर से स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया। मतलब गूगल ऐप स्टोर ने क्या करा था, एक कोई ऐप था हमारा जिसे उसने बंद कर दिया था, बैन कर दिया था, लेकिन 4 घंटे के बाद उसे फिर से एक्टिवेट कर दिया था। तो कौन सा है हमारा, वो है हमारा पेटीएम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए किन ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो कौन से ऐप को लगाने की है, वीचैट व टिकटॉक। कौन सा आइटम है, ये कौन से हमारे ऐप हैं, ये हमारे चाइनीज ऐप हैं। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 19 सितंबर से किन दो टीमों की भिड़त के साथ आईपीएल 2020 की शुरुआत हो रही है। तो जो आईपीएल 2020 की शुरुआत हुई है वो हमारी कब से हुई है, 19 सितंबर से। ठीक है, तो और वो कौन सी टीम है जिनसे हमारा स्टार्टिंग होगा, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने किसको बिड़ला समूह के सभी पदों से हटाने का फैसला दिया है। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है हमारा हर्षवर्धन लोढ़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है हरसिमरत कौर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, कर्नाटक के किस राज्यसभा सांसद का कोरोना के कारण निधन हो गया। तो किसका निधन हुआ भाई, ये है हमारा अशोक गस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट है हमारा डीपीआईआईटी ने रक्षा में विदेश कंपनियों के निवेश के प्रतिशत को 49 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया। मतलब पहले 49% था, अरब उसे बढ़ा दिया गया, तो कितना कर दिया हमारा, 74%, मतलब 74%। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 महीने बाद फीफा की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, ये किसने किया है, बेल्जियम ने। ठीक, अगला है, आईसीसी की ओर से भारी
सॉरी आईसीसी की ओर से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में कौन से भारतीय खिलाड़ी पहले एवं दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। तो पहले नंबर पर कौन बने हुए हैं हमारे, पहले नंबर पर है हमारे कौन से, विराट कोहली, और दूसरे नंबर पर हैं रोहित शर्मा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान बिल के खिलाफ किस संगठन ने 24 से 26 सितंबर 2020 के बीच रेल रोको आंदोलन करने की घोषणा की है। तो ये अभी हमारा देखो होने वाला है 24 से 26 सितंबर, क्योंकि अभी तो हमारा कितना चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है 20। ठीक है, तो हमारा उसने बोला है 24 से 26 सितंबर तभी रेल रोको आंदोलन की शुरुआत होगी, और ये कौन कौन लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हमारे किसान मजदूर संघर्ष समिति। ठीक है, ये किसान से संबंधित है हमारा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर किस वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो किस वेबसाइट को लॉन्च किया है उसने, हमें उसने क्या है narendra70.in। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही है, और 70 इसलिए दिया है इसमें क्योंकि वो जो उनका जन्मदिन था ये 70वां था। ठीक है ना, वो 70 साल के हो गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर सेटअप कहाँ स्थापित होगा। तो ये खिलौना विनिर्माण क्लस्टर सेटअप क्या है, ये ऐसा है देखो, अभी तक जो हमारे जितने भी सस्ते खिलौने आते थे वो हमारे चाइना से आते थे, लेकिन अब वहाँ से हमारा आयात निर्यात बंद हो गया है, तो इसीलिए सस्ते खिलौनों के लिए उन्होंने अपना ही एक बड़ा सा कारखाना वगैरह खोला है। तो वो कहाँ पर खोला है, कहाँ पर खोलेगा, वो कर्नाटक के कोपला में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे ने व्यस्त स्टेशनों पर किस अतिरिक्त चार्ज को लगाने की घोषणा की है। तो कौन से चार्ज को लगाने की घोषणा की है, यूजर चार्ज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो उनका नाम क्या है, तो ये कौन थी, फैशन डिजाइनर थी, और 63 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम क्या है हमारा, इनका नाम है सर्वरी दत्ता। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। तो किसने की है भाई जारी, ये हमारा अमेरिका ने। ठीक है ना, जब भी वैक्सीन आएगी तो ये क्या करेगा, ये मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन देगा। ठीक है, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।